आज इस वीडियो में हम सीखेंगे YouTube कीवर्ड रिसर्च टूल्स के बारे में। सो, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप YouTube कीवर्ड्स रिसर्च कर सकते हैं, SEO पता कर सकते हैं, जो आपके YouTube को ग्रो होने में मदद करता है। सो लेट्स स्टार्ट वन बाई वन। सबसे पहले हम बात करेंगे आंसर द पब्लिक। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं आंसर द पब्लिक, आपको ये साइट मिलेगी। आंसर द पब्लिक फर्स्ट लिंक है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इस साइट पर जब आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इनका टैगलाइन है, डिस्कवर व्हाट पीपल आर आस्किंग अबाउट। सो बेसिकली आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, क्या वो पूछ रहे हैं, क्या वो ढूंढ रहे हैं, राइट? सो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग कीवर्ड्स हैं, अलग अलग ऐसे हुए हैं, लेकिन हम अभी इंडिया का पता करेंगे, राइट? एंड उससे बाद में आप ये भी देख सकते हैं, गेट इंस्टेंट रॉ रिसर्च सर्च इनसाइट्स डायरेक्ट फ्रॉम द माइंड्स ऑफ योर कस्टमर। सो बेसिकली कस्टमर क्या चाहता है, राइट? क्लाइंट हमारा क्या चाहता है? इसकी हेल्प से आपको काफी कुछ आइडिया मिल जाएगा जो आप अपने YouTube टैगलाइंस में, यूट्यूब कीवर्ड्स में, टैक्स में दे सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी हम इंडिया में हैं, तो हम इंडिया सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। ओके, तो मैंने यहाँ इंडिया सेलेक्ट करा है, हम लैंग्वेज इंग्लिश ही रखते हैं इसको, एंड हम सर्च करते हैं रिगार्डिंग हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो क्या थी, ग्रो विद यूट्यूब, राइट? हमारी लास्ट वीडियो थी How to upload video on YouTube. So let me search like this. How to upload video on YouTube. So मैंने ये एक स्टेटमेंट डाला है यहाँ पर, लेट मी सी कि ये क्या दिखाते हैं हमको। यहाँ पे आप सर्च करिए। ओके, ये हमसे अभी गूगल अकाउंट मांग रहा है। यहाँ पे आप अभी हम कंटिन्यू टू गूगल कर देते हैं, यहाँ पे हम अपनी मेल आईडी से। ओके, सो अभी हम इस अकाउंट में आ गए हैं। नाउ लेट्स सर्च अगेन हाउ टू अपलोड यूट्यूब वीडियो, हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, वीडियो ऑन यूट्यूब। कहाँ सर्च कर रहे हैं हम? इंडिया में सर्च कर रहे हैं, राइट? सो यहाँ पे जाके आप इंडिया सर्च कर लीजिए, लैंग्वेज इंग्लिश रखिए एंड देन सर्च। ओके, ये हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है फैच करके दे रहा है, राइट? आप देख रहे हैं प्रोसेसिंग हो रही है, पूरा फैच करके दे रहा है। सो 377 रिजल्ट हमें मिला है हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब। तो अब देखते हैं कि लोग कैसे सर्च कर रहे हैं। हेयर वी गो। सी, इस चार्ट की हेल्प से आप आइडिया लगा सकते हैं कि लोग आपकी वीडियो को कैसे सर्च कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे की इंडिकेटर्स आपको मिल सकते हैं, यहाँ पे हाई सर्च, एवरेज सर्च, लो सर्च। तो जो जो ज़्यादा डार्क में है, जैसे ये है, ये सबसे ज़्यादा सर्च हुआ है हाउ कैन अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, ये ज़्यादा सर्च हुआ है हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, ये ज़्यादा सर्च हुआ है विच फॉर्मेट टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, हु टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, राइट? हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब फ्रॉम मोबाइल। आप देख रहे हैं कितने सारे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। वाई काइंट अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, वाई वीडियो अपलोड ऑन यूट्यूब। सो ये जितने हैं ये सब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहलाते हैं, राइट? अगर आप यहाँ पे अपने चैनल में जाएंगे एंड अगर यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे एंड एडिट वीडियोस में आप जाइए, एडिट वीडियो में जाने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन आएगा शो मोर, इस पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको टैग का ऑप्शन आएगा, राइट? इसमें आप देख रहे हैं कुछ टैग्स मैंने स्टेटमेंट ले रखा है जिसे हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बोल सकते हैं, कुछ शॉर्ट जिन्हें हम शॉर्ट टेल कीवर्ड्स बोलते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। यहाँ पे आप देखिए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, तो मैंने अपनी तरफ से ऐड किया हुआ है, राइट? इस वीडियो में तो वो यही दिखा रहा है, वो यही दिखा रहा है कि कैसे लोग सर्च करते हैं। अगर आप हाउ के ऑप्शंस में जाएंगे कैटेगरी में, तो कौन सा सबसे ज्यादा सर्च हुआ है, यानी कि ये हुआ है, राइट? हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, है ना? अगर आप जाएंगे इस ऑप्शंस में, हु के ऑप्शंस में जाएंगे, तो सबसे ज्यादा कौन सा सर्च हुआ है, ये वाला सर्च हुआ है हु टू अपलोड ऑन यूट्यूब। देन वाई के ऑप्शंस में वाई कांट अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, है ना? देन उसके बाद कैन का ये ऑप्शंस आया है, कैन की कैटेगरी आई है, उसमें आएगा हाउ कैन अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, है ना? एंड देन वेयर में सबसे ज्यादा कौन सा सर्च हुआ है, ये वाला ऑप्शन हुआ है वेयर टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, है ना? देन हाउ कैन अपलोड ऑन यूट्यूब,
हाउ टू अपलोड ऑन, सो इतने सारे कैटेगरीज आपको मतलब एक लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपको मिल गए हैं, जिससे आपको आइडिया हो गया है कि जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर हैं, वो क्या सर्च कर रहे हैं, है ना, उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो अगर हम ऐसे SEO पता करेंगे, कीवर्ड्स पता करेंगे, तो उससे हमारे चैनल की अच्छी ग्रोथ होती है, हमें लोग जो सर्च करते हैं हमारे चैनल पिक्चर्स में आता है, राइट। अब यहाँ पे आप फिर से आइए, यहाँ पे प्रिपरेशन ये बता रहा है ना, 56 प्रीपोजिशन हाउ टू अपलोड ऑन वीडियो, इसमें कैसे पता चलेगा, लाइक फॉर, अगर आप देखेंगे फॉर कैटेगरीज में, कैन कैटेगरीज में, नियर कैटेगरी में, है ना, तो टू कैटेगरी में लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल टू में सबसे ज्यादा कौन सा सर्च हुआ, हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब टू अर्न मनी, है ना, हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब टू गेट मोर व्यूज, हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब। सो मतलब जनरली अगर हम अगर अपने माइंड से चलते हैं, अगर हम सपोज करें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स डालते हैं, तो जनरली हमारे माइंड में इतने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स नहीं आते हैं, है ना, दो तीन कीवर्ड्स लॉन्ग टेल आते हैं हमारे माइंड में जो हम डाल सकते हैं। लेकिन इसकी हेल्प से जब आप ये आंसर द पब्लिक यूज करते हैं, रिसर्च टूल यूज करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिल जाता है ना। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपैरिजन के मैं 40 कीवर्ड्स यूज हुए, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब एज अनलिस्टेड, अगर ये कंपैरिजन के ऑप्शंस में आ रहा है, हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब एंड अर्न मनी, है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फाबेटिकल ऑप्शंस, अगर 193 सर्च हुआ है ना, इसमें आप देख सकते हैं ए हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब एंड अर्न मनी, हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब बाई फोन लाइक दिस। सो ये बहुत ही सही मुझे साइट लगती है, रिसर्च टूल लगता है, मैं जनरली इसको फॉलो करता हूँ, जिससे मुझे काफ़ी फायदा होता है एक्चुअली, है ना। हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब फ्रॉम लैपटॉप, हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब शॉर्ट, है ना, हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब इन हिंदी। सो आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल सकता है। आप यूट्यूब के रिगार्डिंग मतलब इसके अलावा भी आप कुछ और भी सर्च कर सकते हैं, लाइक अगर हम बात करें अगर हम बात करें न्यू यूट्यूब चैनल, हाउ टू क्रिएट ए न्यू यूट्यूब चैनल, है ना, यहाँ पे जब आप सर्च करेंगे तो आपको वो सर्च कर रहा है, पूरा फैच कर रहा है डिटेल, ओके 369 रिजल्ट हमको मिला है, और यहाँ पे आपके देखिए कितने सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। हमारा जो लॉन्ग टेल कीवर्ड था उसका था कि हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू क्रिएट ए न्यू यूट्यूब चैनल, है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ टू क्रिएट ए न्यू यूट्यूब चैनल, है ना, हाउ टू क्रिएट ए एंड देन हाउ टू क्रिएट ए न्यू यूट्यूब चैनल विद द सेम ईमेल, हाउ टू क्रिएट ए न्यू यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली इस टाइप से लोग सर्च करते हैं, कहाँ सर्च कर रहे हैं, इंडिया में, क्योंकि हमने कंट्री इंडिया सेलेक्ट की हुई है ना। तो ये जो साइट है, ये जो टूल है, ये जितना भी माइंड में कस्टमर्स के माइंड में रहता है, क्लाइंट्स के माइंड में रहता है, या एज ए व्यूअर अगर हम यूट्यूब पे कुछ भी वॉच करना चाहते हैं, तो उसका सारा डेटा इस साइट पे हमें मिल जाता है, ओके। तो आप इसको फॉलो करिए एंड अपने कीवर्ड्स में आप यहाँ पे यूज करिए, कुछ लॉन्ग टेल हैं, कुछ शॉर्ट टेल हैं, जैसे मैंने बताया आपको, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, है ना, और अपने चैनल की अच्छी ग्रोथ आप पा सकते हैं, ठीक है, ओके। नाउ अब हम दूसरे टूल की बात करेंगे, जिसका नाम है रैपिड टैग्स .io, ओके, नाइस, ठीक है। रैपिड टैग्स करके ये टैग्स से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है, राइट। सो इसमें आप देखिए कैसे यूज करते हैं, तो जब आप यहाँ पे, आपको ये इस टाइप का यूआई दिख जाएगा, जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे अगेन हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल, है ना, तो जब आप यहाँ सर्च करेंगे तो आपको इस टाइप के पूरे अलग अलग कैटेगरी के कीवर्ड्स वो दे देगा, यानी कि टॉप जो सर्च कीवर्ड होते हैं, जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज हुए हैं, वो आपको सर्च करके दे देगा, है ना मैजिक। हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, हाउ टू अपलोड हाउ टू अपलोड वीडियोज, अपलोड वीडियोज ऑन यूट्यूब फ्रॉम फोन, है ना, हाउ टू अपलोड वीडियोज ऑन यूट्यूब चैनल, हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, कई सारे आपको ऑप्शन यहाँ से मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर डालूँ ओनली सिंगल स्मॉल टेल कीवर्ड में डालता हूँ लाइक यूट्यूब,
यूट्यूब चैनल 2023 में ये डालता हूँ फॉर एग्जाम्पल। देखिए कितने सारे आपको आइडियाज मिल गए, यूट्यूब चैनल आइडियाज, हाउ टू स्टार्ट ए यूट्यूब चैनल, स्टार्टिंग ए यूट्यूब चैनल 2023, बेस्ट यूट्यूब चैनल आइडियाज, यूट्यूब चैनल आइडिया, चैनल आइडियाज फॉर बिगनर्स, हाउ टू मेक ए यूट्यूब चैनल, हाउ टू ग्रो ए यूट्यूब चैनल, है ना। सो इस रैपिड टैक्स की हेल्प से आपको बेसिकली ये जनरेट करके देता है जो टॉप कीवर्ड्स हैं, जो टॉप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं। आप क्या करिए, आप यहाँ पे सिंपल यहाँ पे कॉपी करिए, ओके, इसको यहाँ पे आप हटा दीजिए एंड देन कॉपी पेस्ट, सिंपल आप अपने यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छा, मुझे, मैं भी इसको जनरली यूज करता हूँ अपनी हर वीडियोज में, इन कीवर्ड्स को, इस टूल को। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप मनी से रिलेटेड देखना चाहते हैं, मनी, तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, आपको यहाँ पे फिर से कीवर्ड्स मिल जाएंगे। सी मनी, लीजा मनी, मनी अन मनी, ऑनलाइन, मेड मनी, मेक मनी, मनी लिरिक्स, अर्न मनी, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर देखना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ कर सकते हैं, है ना। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप 2022, मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, वॉट एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट, है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑफ ऑन एंटरप्रेन्योरशिप इज संदीप महेश्वरी, एंटरप्रेन्योरशिप वॉट नो बडी टेल्स यू अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। सो ये बहुत ही सही रैपिड टूल है, रैपिड टैग है, जिनकी हेल्प से आप SEO कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट कीवर्ड्स की बात करते हैं, नेक्स्ट टूल्स की बात करते हैं, जिसका नाम है बिड IQ, BIDIQ। यस, आप यहाँ सर्च करेंगे आपको ये मिल जाएगा, यू फॉर यूट्यूब ग्रोथ जैसे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, बूस्ट योर व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, है ना। तो आप यहाँ पे जाके सर्च करते हैं, कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेगी, एक तो आपको फ्री वर्जन मिलेगा, है ना, और एक आपको पेड वर्जन मिलेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फ्री वर्जन ही यूज करिए। आपको क्या करना है, सिंपल आप लॉग इन करिए, है ना। तो मैं अपनी जो मेरी मेल आईडी है उसी से ही मैं लॉग इन कर लेता हूँ अपने चैनल को। ओके परफेक्ट, सो ऐड योर यूट्यूब चैनल, मैं अपने यूट्यूब चैनल को ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, फिर से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड देन अलाउ। मैं बेसिकली विड IQ को अलाउ कर रहा हूँ अपनी गूगल अकाउंट में, ताकि वो मुझे हर वीडियोस में मुझे वो वैल्यू प्रोवाइड करे, राइट। नाइस, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा मेरा, मैंने लॉग इन किया हुआ है और ये पूरा आइडियाज यहाँ पे हमें दिखा रहा है विड IQ के थ्रू। लेकिन हमारा पर्पस ये है कि हम वन सेकेंड, हम यहाँ जाए एंड देन डाउनलोड एक्सटेंशन, आप, हाँ, आप एक काम करिए, डाउनलोड एक्सटेंशन कर लीजिए ताकि ये आपकी हर वीडियो में यूज हो, है ना। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ओके, यू कैन नॉट ऐड एक्सटेंशन इन इनकॉग्निटो और गेस्ट विंडोज। ओके, हम एक्चुअली इनकॉग्निटो विंडो यूज किए हुए हैं, इसलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। ओके, इसलिए ये शो कर रहा है ये चीज, फाइन, नो प्रॉब्लम, हम इसको हटा देते हैं। ओके, सो अभी हम अपने चैनल पे आ गए हैं और हमने इसे इनकॉग्निटो से हटा के जो अपना मेन है हमारा वर्जन उसमें यूज किया है। तो मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, आप अगर विड IQ यूज करेंगे तो जब आप डाउनलोड एक्सटेंशन करेंगे तो वो यहाँ पे आपको शो होने लगेगा, आपके पूरे चैनल की जो ग्रोथ है वो दिखने लगेगी इससे, आपके व्यूज कितने आते हैं, आपका चैनल कितना सब्सक्राइब हुआ है, कितना वॉच अवर्स है, कहाँ कहाँ से आपको लोग देख रहे हैं, आप देख सकते हैं, राइट, आपके चैनल पर सारा ये विड IQ के थ्रू हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई सी भी मेरी एक वीडियोज ओपन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यही करता हूँ, वॉट इज माइंड, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं, जब आप यहाँ इस वीडियो को चलाएंगे तो यहाँ पे आपको पूरा इस वीडियो से रिगार्डिंग डिटेल मिल जाएगा, है ना, यहाँ पे आपको आ रहा है ना। ये ट्यूबबडी है, मैं इसको बाद में बताऊंगा, पहले मैं विड IQ के बारे में बात करता हूँ। तो जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं विड IQ जो स्कोर है इस वीडियो का अभी 26.06 है, यानी कि ये स्कोर अच्छा नहीं है, इसलिए ये वीडियो ज़्यादा ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, व्यूज़ अभी इतना हुआ है इस वीडियो पे, है ना। YouTube कितना हुआ है, 4 FV लाइक हुआ है, 5 YouTube लाइक्स है, ग्रेट इंगेजमेंट अच्छा दिखा रहा है इसमें, है ना, FV 44% FV से आ रहा है, आई मीन
फेसबुक से एंड 55.6 यूट्यूब से आ रहा है ना। एंड देन एसईओ जो है हमारा कम है, बट कोई नहीं, हम बढ़ा लेंगे। 35.1 है हमारा विद आईक्यू एसईओ स्कोर, जिसमें टैग हमारा 5.5 है, टैग काउंट, टैग वॉल्यूम सही है, कीवर्ड हमारा सही है, कीवर्ड इन डिस्क्रिप्शन हमने कम यूज किए हैं, इसका मतलब ये है ना। एंड देन रैंक टैग हमारा जीरो है, परफॉर्मेंस हमारी जीरो है ना। तो कई सारे हमें एक ऑप्शंस दे रहा है, एंड यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो कई सारे, तो यानी कि इससे आपको एक आइडिया मिल रहा है कि आपके यूट्यूब में क्या क्या कमी है और आप क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। डिस्क्रिप्शन वर्कआउट ऐसे इसी तरीके से आप यहाँ चेक कर सकते हैं, कंपेयर व्यू इन द फर्स्ट 28 डेज। देन वीडियो ऑप्टिमाइजेशन चेकलिस्ट, टाइटल दिया है हमने, टैग दिया, डिस्क्रिप्शन दिया, कार्ड दिया, एंड स्क्रीन नहीं दिया हमने, क्लोज कैप्शन नहीं दिया, रिप्लाइड टू ए रिसेंट कमेंट नहीं करा हमने, है ना। मोनेटाइजेशन इनेबल्ड अभी नहीं है हमारा, करेक्ट। देन कंट्रोवर्शियल कीवर्ड्स ये कई सारे हैं, अभी हमारा रैंक काफ़ी नीचे है ना। टैग हमने ये दिए हैं, टॉपिक्स हमारा ये है, चैनल टैग हमारा ये है। तो इसकी हेल्प से, विड आईक्यू की हेल्प से आप सब कुछ पता कर सकते हैं। मुझे इसको समझने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप, अगर आप अपना न्यू चैनल क्रिएट कर रहे हैं तो इस एक्सटेंशन को आप यूज़ कर लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, विड आईक्यू आपको सर्च करना है गूगल पर, विड आईक्यू है ना, उसको आपको जाना है यहाँ पे, एंड देन साइन इन कर लीजिए गूगल अकाउंट से, एंड देन उस एक्सटेंशन को यहाँ पे यूज़ कर लीजिए, तो वो यहाँ पे आपको शो दे करके दिखेगा, राइट। जैसे आपको दिख रहा है विड आईक्यू वर्जन, ग्रामरली हमने कर रखा है, देन ट्यूबडी हमने कर रखा है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। ये भी रिसर्च टूल्स है ना, तो ये भी बहुत अच्छा टूल है। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि जितनी जल्दी आप विड आईक्यू को यूज़ करें अपने चैनल में, अगर आप न्यू चैनल बना रहे हैं तब भी आप यूज़ करें, ताकि आप बहुत जल्दी अपने चैनल को समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए एसईओ, क्योंकि एसईओ को समझना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। आई मस्ट टेल यू, मुझे खुद इतना टाइम हो गया है, लेकिन मुझे खुद डिफिकल्ट अभी भी लगता है एसईओ को समझना। और जो लोग एसईओ को समझ गए वो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, है ना। लेकिन हमारा पर्पस एसईओ को समझना भी है, लेकिन सही कंटेंट भी देना है, राइट, जिससे हमारी और दूसरे की लाइफ में इंप्रूवमेंट हो। मैटर ये नहीं करता कि कई सारे मैंने ऐसे चैनल्स देखे हैं जो जो कुछ भी कंटेंट देते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सबका अपना अपना माइंडसेट है, लेकिन सबका व्यूअर्स अलग होते हैं, अलग माइंडसेट के होते हैं, लेकिन यूट्यूब उन्हीं को ही ज़्यादा इंगेज करता है, उन्हीं को ही ज़्यादा आगे रखता है, जो कुछ मज़ेदार चटपटा, जो कहते हैं ना, चटपटा कंटेंट देते हैं अपने व्यूअर्स को। लेकिन हमारा पर्पस लाइफ में वैल्यू ऐड करूँ, मैं जो देखा हूँ लाइफ में, जो समझा हूँ लाइफ को, वो मैं ऐड करूँ। अब मेरे कंटेंट में चाहे कुछ वीडियोस आपको नहीं समझ में आती होंगी, कुछ वीडियोस रिलेटेड नहीं करते होंगे व्यूअर्स, बट फाइन, बिकॉज मैं वीडियो अपने लिए बना रहा हूँ, मेरी वैल्यू इंप्रूव हो रही है, मेरी मेरा मेरी मेरा माइंडसेट इंप्रूव हो रहा है, ग्रोथ हो रही है मेरी, मैं हर चीज़ में ग्रो कर रहा हूँ और मैं सच में मानता हूँ कि इस टाइप के लोग हैं जो इस टाइप का कंटेंट देखना चाहते हैं। आई नो कम है, एंटरटेनमेंट ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, इस टाइप का कंटेंट देखना कम पसंद करते हैं, लेकिन लेकिन जो कमी होते हैं वो ही इतिहास रचते हैं, राइट। भीड़ तो बहुत है दुनिया में, लेकिन हमें भीड़ से हटकर कुछ करना है, हमें खुद अपना वैल्यू बढ़ानी है, राइट। तो आई एम हैप्पी कि अगर मेरे 445 सब्सक्राइबर्स हैं, आई एम सो मच ब्लेस्ड, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, है ना। मैं क्या बोल रहा था, मैं यही बोल रहा था कि एसईओ मैटर करता है, ये चीज़ें सब मैटर करती हैं, लेकिन आपका कंटेंट भी मैटर करता है, कि आप सच में क्या मैसेज दे रहे हैं, है ना, वो चीज़ मैटर करती है। कि अगर मैं सच में आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, अगर मैं एक इंसान की भी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, तो मेरा सच में यूट्यूब पर आने का जो पर्पस है वो पूरा हो गया, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, ओके फाइन। अब उसके बाद हम फोर्थ जो हमारा यूट्यूब कीवर्ड रिसर्च टूल है, जिसका नाम है ट्यूबबडी, मैंने इसको भी एक्सटेंशन कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी रिसर्च टूल है। तो ट्यूबडी बहुत अच्छा टूल है, अगर एक्चुअली ये फ्री टूल है, मैं आई मीन फ्री नहीं है, मैंने फ्री सब्सक्रिप्शन ले रखा है, अगर आप चाहें तो उसको पेड भी कर सकते हैं, बट ये काफ़ी महंगा है। सो बेटर है कि आप इनिशियली फ्री एक्सटेंशन लें, अंडरस्टैंड करें एसईओ कैसे काम करता है, और एसईओ से ज़्यादा अपनी कंटेंट पर
अपनी वीडियो पर ज्यादा काम करें। ओके सो लेट्स स्टार्ट। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो जब आप यहां देखेंगे तो यहां पे आपको विड आईक्यू भी दिखेगा एंड यहां पे आपको ट्यूबवडी भी दिखेगा। देखिए हेयर वी गो है ना। सो ट्यूबवडी आपको वीडियो यहां पे पूरा दिखेगा, टोटल व्यूज कितना है, कमेंट कितना है, लाइक कितना है, क्रिएटेड सजेस्टेड कितना है, एसईओ स्कोर कितना है। हमारा एसईओ स्कोर नॉट बैड है ना, टैग्स हमारा, ये सारा आपको पता चल जाएगा। फेसबुक लाइक्स, यू नो, अब बोर्ड्स, मेंशंस, वीडियोस कितना हम अपलोड किए हैं, सब्सक्राइबर्स कितने हैं, हमारे व्यूज कितने हैं, हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस ये क्या कर रखा है, हमने क्या क्या यूज़ किया है, टैग्स क्या क्या यूज़ किया है ना। तो यहाँ से आपको पूरा मिल जाएगा। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं अपने चैनल की किसी दूसरे चैनल से तो वो भी कर सकते हैं। ओके सो आज की वीडियो में आपने सीखा कि कैसे हम अपने चैनल पे एसईओ देख सकते हैं, अपने चैनल पे कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, यू नो, हम पता कर सकते हैं कि कैसे हम ग्रो कर रहे हैं, कैसे हमारा ईसीओ एसईओ काम कर रहा है, कीवर्ड्स काम कर रहे हैं, टैग्स काम कर रहे हैं, जिससे हम यू नो अपने चैनल को बेटर बना पाएं। ओके सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम इस टाइप की वीडियोज़ और लाते रहेंगे और ग्रो होते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।